चीजें करेंगे स्टार्ट, फिर पावर रह गया बस आपका। सर अपन बुक के हिसाब से चलते हैं क्या? काय का पढ़ा देंगे, क्या दिक्कत है भाई? मुझे तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ क्या बोल रहा है बेटा? पावर भाई, पावर ही तो रह गया बेटा, दे दे। सर मैं कह रहा हूँ अपन बुक के हिसाब से चल रहे हैं ना? हाँ बुक के हिसाब से चल रहा है। ओके सर। लिखो भाई, अ बॉय वेइंग, एक दो बार ना आपके न्यूमेरिकल कर रहे हैं, फिर उसके बाद अपन पावर स्टार्ट करेंगे। अ बॉय वेइंग, एक सेकंड इसको मैं थोड़ा इधर कर दूं, रुको। चलिए लिखो, A boy weighing 50 kilogram climbs up a vertical height of 100 meters. हंड्रेड मीटर फाइंड वर्टिकल हाइट ऑफ, कैलकुलेट द अमाउंट वर्क डन बाय, पहले लिखो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय बाय हिम, हाउ मच पोटेंशियल एनर्जी डज ही गेन, हाउ मच पोटेंशियल एनर्जी डज ही गेन, डज ही गेन जी इक्वल टू 10 meters per second square, जी इक्वल टू 10 meters per second square। भाई ये तो पता है कि जब वो ऊपर की तरफ जा रहा है तो अमाउंट ऑफ वर्क डन किसके इक्वल होगा? पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगा, ये तो पता है। ऊपर की तरफ जा रहा है क्यों जा रही है? इस केस में अमाउंट ऑफ वर्क डन विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, होगा कि नहीं होगा? यस सर। अब पोटेंशियल एनर्जी हमारा कितना होता है बेटा? एमजीएच। एम कितना है इसका? 50 kilogram। G कितना है? 10। और H कितने मीटर हाइट पे जा रहा है? 100। कितने मीटर हो गया भाई? 50,000 जूल। सर हमारे पास फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही है ना? हाँ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही बेटा, बस आपको ये ध्यान रखना है कि कौन कौन सा फॉर्मूला यूज करना है आपको, बस इतना ध्यान रखना, ठीक है ना? फिर नेक्स्ट एक और कर लेते हैं। अ बॉडी ऑफ मास 2 kilogram is vertically thrown a body of mass 2 kg is thrown vertically upward upward with an initial velocity of twenty meter per second. What will be the potential energy at the end of 2 seconds?
भाई 2 सेकंड के बाद उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी एट द एंड ऑफ 2 सेकंड? 2 सेकंड के बाद उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी ये हमें निकालना है। अब देखो यहां पर एक चीज समझने वाली बात है आपको, आपने यहां से ऊपर की तरफ फेंका, ये ग्राउंड है, यहां से ऊपर की तरफ फेंका बेटा, देखना इधर, यहां से आपने एक मास को ऊपर की तरफ फेंका, ठीक है, इसका इनिशियल वेलोसिटी किस वजह से फेंका? 20 मीटर पर सेकंड। मैं मान लेता हूं कि 2 सेकंड के बाद यहां पर पूछ रहा है वो, तो यहां पर मैं इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या मान लेता हूं? 0 मान लेता हूं, ठीक है, कितने सेकंड के बाद? 2 सेकंड। तो आप रहने दो, अपन छोड़ देते हैं, एच इक्वल टू एच निकाल लो बस आप, एच कितना होता भाई? यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, एच इक्वल टू यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। लेकिन जब ऊपर की तरफ फेंकोगे तो जी किस में लगेगा? माइनस में लगेगा, तो एच इक्वल टू यू कितना है बेटा? 20 इंटू, ये तो पहले भी कर चुके हैं, हाँ वही तो मैंने याद आ गया मुझे, जी माइनस 10 है और टी 2 का स्क्वायर, कोई बात नहीं अब कर लिया, तो ये आ गया 40, याद आ गया ना मुझे अभी, मैंने कि यार ये पहले कर रखा है, इंटू 4, तो 40 माइनस 20 तो कितने मीटर की हाइट पे जाएगा भैया? 20 मीटर की हाइट पे जाएगा, कितने सेकंड के बाद? 2 सेकंड के बाद 20 मीटर की हाइट पे जाएगा। ऑफलाइन दो, अभी 2 है और पिछले वाले में 4 थे, ये यहाँ से लिया, अच्छा मैं तो जी जी यहाँ ही बोल रहा हूँ, यहाँ से लिख लो भाई, 20 मीटर आ गया यहाँ तक भाई, तू आएगा तो 5 हो जाएंगे, तू आ तो सही, मानस आ जाएगा तो 6 हो जाएंगे, चलो लिखो, जा जा जा, तो एच आ गया भाई 20 मीटर, मुझे तो पोटेंशियल एनर्जी निकालनी, एच आ गया आपका, तो व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी मानस सीवी? यस सर, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी बेटा? अरे भाई पोटेंशियल एनर्जी एच आ गया तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बता ना, अरे यार ऐसा क्या कर रहा है, MgH, M की वैल्यू कितनी है, कितना है मास का है? 2 किलोग्राम, जी 10 है और एच कितना आ गया? 20, तो कितना आ गया? 400 जूल। चलिए अब इसके बाद पावर स्टार्ट करेंगे भाई, ये तो आपका काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के क्वेश्चंस हो गए, पावर इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक लिखना बेटा, पावर, सोनाक्षी? यस सर। बेटा तेरे पिछली वाली क्लास में आवाज क्यों नहीं आ रही थी बेटा? सर मैं कार में थी उस समय, तब भी अटेंड कर रही थी क्लास। अच्छा कहीं जा रहे थे क्या? यस सर, आई एम नॉट, अभी भी गेस्ट के आई हूँ पर तब भी क्लास कर रही हूँ। ने कहा है कि अटेंड करो इसीलिए। ठीक है ठीक है, बढ़िया गुड। चलिए पावर, अब देखो पावर क्या होता है, सबकी पावर अलग अलग होती है, जैसे बोलते हैं ना कि कोई यंग मैन है वो किसी भी काम को जल्दी कर लेता है तो उसकी पावर अलग ज्यादा है, कोई भी ओल्ड मैन है, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि कोई भी यंग मैन है वो किसी काम करने के लिए दिया, उसको कोई भी पत्थर उठाने के लिए दिया या कोई भी काम करने के लिए दिया, सब वो 10 मिनट में कोई काम कर रहा है, तो ओल्ड मैन को थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा क्योंकि उसकी पावर अलग है। तो हम ये बोले एबिलिटी टू डू वर्क, भाई उसकी क्या एबिलिटी है, उसको हम क्या बोलेंगे? पावर, या पावर
आप ये बोल सकते हो कि वर्क डन पर टाइम, वर्क अपॉन टाइम। तो इसमें लिखिए भाई पावर की डेफिनेशन लिखेंगे हम, राइट डाउन। पावर इज डिफाइंड एज, पावर इज डिफाइंड एज रेट ऑफ डूइंग वर्क। पावर, पावर इज डिफाइंड एज, defined as rate of doing work, rate of doing work, it is defined as the rate of doing work. It means power is equal to work done upon time taken, work done upon time taken. Work done upon time taken. Clear? इसका मतलब इसका जूल पर यूनिट क्या हो गई बेटा? यूनिट इज जूल पर सेकेंड। और जूल पर सेकेंड को क्या बोलते हैं कोई बताएगा? जूल पर सेकेंड को हम किससे डिनोट करते हैं बेटा? वाट, वाट, वन वॉट इज इक्वल टू वन जूल पर वन सेकेंड। लिखो, वन वॉट इक्वल टू वन जूल पर वन सेकेंड। वन वॉट होता है ना, इतना वॉट है पावर, ये यूनिट ऑफ पावर है। किसमें? अप्लायंसेस, अपने इसमें बोलते हैं तो वॉट में आप इसको मेजर करते हैं। लिख लीजिए यहां तक। So the SI unit of power is watt. लिख लीजिए SI unit of power is watt. SI unit of power is watt. तो हम वन वॉट को डिफाइन कर रहे हैं भाई। SI unit पहले लिखो, SI unit of power is watt. वन वॉट इज द पावर ऑफ एन अप्लायंसेस, इज द पावर ऑफ एन अप्लायंसेस ऑफ एन अप्लायंस विच डज, विच डज द वर्क ऑफ, which does work at the rate of 1 joule per second, 1 joule per second, ऐसे बोल सकते हो भाई। किसी भी अप्लायंस की पावर 1 वॉट कब होगी? जब वो वर्क डन कर रहा है 1 joule per second। तो 1 वॉट इज इक्वल टू 1 joule per second। यहां तक कॉपी कर लीजिए बेटा। तो बेटा ये पावर क्या डिनोट करता है बेटा? जैसे मैं आपसे बोल रहा हूं कि एक बल्ब है वो 60 वाट का है, इसका क्या मतलब होता है? नहीं नहीं, मतलब अपन क्या बोलेंगे, इसका मतलब होता है कि वो बल्ब 60 जूल एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, इलेक्ट्रिक एनर्जी एक सेकंड। नहीं समझ में आया भाई? मैंने किसी से बोला, समझ में आ गया बेटा? यस सर, आ गया भाई। मैंने क्या बोला कि इसकी भाई इसकी पावर है इतनी, ऐसे बोलते ना यार, इसकी पावर 250 वॉट का की पावर है। तो 250 वॉट की पावर का क्या मतलब हुआ? वो 250 जूल इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम कर रहा है एक सेकंड में, इसका मतलब उसकी वॉट इतनी, इसका मतलब ये। तो आप इसको लिख लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा, याद रहेगा। लिखो, द पावर ऑफ एन इलेक्ट्रिक अप्लायंस, the power of an electric appliance tell us the rate, tell us the rate at which the power of electric appliance
टेल अस द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड, एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड. फॉर एग्जाम्पल इफ द बल्ब, इफ द पावर ऑफ बल्ब इज, फॉर एग्जाम्पल इफ द पावर ऑफ बल्ब इज 60 वोल्ट, मीन्स दैट 60 जूल ऑफ एनर्जी इज कंज्यूम. अरे ये किसकी आवाज आ रही है? जतिन तेरा माइक चल रहा है क्या? इज कंज्यूम्ड इन 1 सेकेंड. यदि बल्ब की पावर यदि 60 वोल्ट है तो इसका मतलब है वो 60 जूल एनर्जी कंज्यूम कर रहा है 1 सेकेंड के लिए. इसका मतलब ये हुआ. तो इसका मतलब पावर ये हुआ. अब पावर का है, देखो वोट, वोट एक बहुत छोटी यूनिट है. जब हम बोलो ना कि कितना मेगावाट बोलते ना कि कितनी एनर्जी बन रही, कितनी बिजली बन रही है, कि यार वो तो 60 मेगावाट बन रही है. तो 60 मेगावाट, तो मेगावाट बहुत बड़ी यूनिट है. तो इस तरह से आपको अभी बताएंगे मेगावाट क्या होती है और ये क्या होती है. पहले यहां तक लिख लीजिए. सर हाँ बेटा बोल. आज की नोट्स प्रोवाइड कर देंगे आप बस आज की? हाँ मैं दे दूँ. ओके थैंक यू सर. चलिए तो ये आपका पावर का डेफिनेशन हो गया. अब देखो आगे लिखो 1 किलोवाट कितना होता भाई? 1000 वाट. बिल्कुल सही है. लिखो 1 किलोवाट, 1 किलोवाट इक्वल टू 1000 वाट. 1 किलोवाट इक्वल टू 1000 वोल्ट. 1 किलोवाट को हम क्या लिखते हैं? 1 kW. 1000 वोल्ट. 1 kW इक्वल टू 1000. और 1 मेगावाट क्या होगा? 10^6 मीटर. 1 मेगावाट 10^6 वोल्ट. लिखते चलो. क्या बेटा? नॉर्मल डिवाइसेस तो नहीं चल सकते ना? मतलब नॉर्मल क्या बोल रहा है? देरे क्या बोल रहा बेटा? दोबारा बोल. नॉर्मल डिवाइस चल सकते हैं क्या इससे? किससे? सही है. मतलब क्या बोल रहा है? मेरे को समझ में नहीं आ रहा. नॉर्मल डिवाइस चल सकते हैं, इसका क्या मतलब हुआ? सर इससे नॉर्मल अप्लायंसेस चल सकते हैं क्या 1 मेगावाट से? अरे बेटा 1 मेगावाट से नॉर्मल अप्लायंस कैसे चलेंगे? हाँ हाँ गजब कर रहा है बेटा. नॉर्मल अप्लायंस तो बेटा वोट में रहती है इनकी, जितने भी आपका टीवी है और ये सब वोट में ही होगा. किलो वोट में भी नहीं होगा उनकी पावर, ठीक है ना? जो अपने आपका टीवी है, फ्रिज है, आप देखना आज है ना घर पे जाके. अभी घर पे ही हो तुम तो घर पे देखना है कि है ना सबका क्या क्या पावर लिखी हुई है. तो किसी का भी है ना आपका वोट वोट में ही होगा सबका पावर. इनकी है ना इनकी मेगा इनकी वो है ना किलो वोट में होती है. और जो जहाँ बिजली बनती है वहां मेगा वोट में होती है सबसे ज्यादा. हाँ तो जो जहाँ बिजली बनती है ना पूरी वो मेगा वोट में बनती है. और जो आपके अप्लायंसेस है इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस वो सब वोट में है. उनकी नहीं होगी, उनकी मेगा वोट होगी तो याद नहीं. आप क्या करोगे फिर? तो आपका खर्चा बहुत बढ़ा जाएगा. फिर मालूम पड़ रहा है कि आप सिर्फ पैसे ही दे रहे हो इसके. चलिए बेटा एक और यूनिट होती है पावर की, हॉर्स पावर. हॉर्स पावर एचपी, ठीक है? तो लिखो 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वोल्ट. 1 हॉर्स पावर इक्वल टू 746 वोल्ट. 1 हॉर्स पावर इक्वल टू 746 वोल्ट. मतलब 1 HP 746 वोल्ट. अब बेटा
किसके घर में है ना पानी भरने की मशीन, वो है पानी की मशीन रहती है ना, पानी चढ़ाने की मोटर, तो वहां पर उसकी जो पावर होती है ना वो 1 HP 2 HP और 0.5 HP उसकी होती है। अब आप ये समझो कि उसकी पावर 0.5 HP होती है, तो मतलब इसकी वोट किलो वाट में भी नहीं जाएगी, वोट 2 वाट दो दो हॉर्स पावर की, 2 हॉर्स पावर की जाके किलो वाट में बढ़ेगी। बहुत बड़ी मशीन होती है 2 किलो वाट की, 2 हॉर्स पावर की मशीन तो बहुत बड़ी होती है। तो जो आपकी घर में काम आती है ना वो सिर्फ आपके वोट के अंदर ही रहेगी, मतलब 1000 के अंदर कम कम में रहेगी सारी। ये अभी कभी भी आना मैं देखना कि आप कहीं पे भी जाके पूछोगे इलेक्ट्रिक वाले से कि यार आधा हॉर्स पावर की आप वो दे दो मोटर, ऐसे बोलूंगा 1 हॉर्स पावर की मोटर दे दो। तो 1 हॉर्स पावर की मोटर का क्या मतलब हुआ 746 वोल्ट, समझ में आई बात? यस सर। तो लिखो 1 हॉर्स पावर इक्वल टू 746 वोल्ट। अब बेटा ये हॉर्स पावर यूज क्यों की? एक्चुअल में क्या होता था पहले, जब पुराने जमाने में क्या होता था, पुराने जमाने में जितनी भी चीजें आपकी खींचने के काम में आती थी वो हॉर्स से होती थी, मतलब घोड़े काम में आते थे कोई भी चीजों को ले जाने के लिए। जब उन घोड़ों को हमने रिप्लेस किया स्टीम इंजन से, तो जितनी चीज वो उसको पुल कर रहे तो वहां से वो वाली चीज वहां पर प्रोड्यूस हुई, वहां पर नाम दिया हॉर्स पावर, ऐसे चेंज हुआ ये नाम। ये नाम कहां से आया? हॉर्स पावर। पहले क्या होता था पुराने जमाने में, जो भी चीजें आप इधर से उधर ले जाते थे वो सब किससे ले जाते थे? घोड़ों से ले जाते थे। तो वो घोड़ों से ले जाने की जो पावर हुई आपको, वो पावर आपने स्टीम इंजन बनाने में की, स्टीम इंजन को खींचने में काम लिया, तो स्टीम इंजन जितना खींच पा रहा है तो उसको हमने हॉर्स पावर का नाम दिया। इसका मतलब जैसे हॉर्स पावर का मतलब है एक स्टीम इंजन 10 बोगी को खींच रहा है, अब वो 10 बोगी को खींचने में कितने हॉर्स की जरूरत होगी, तो उसको हमने हॉर्स पावर से रिप्लेस कर दिया। अगर हॉर्स पावर की जरूरत क्या पड़ी बेटा? बड़ी यूनिट भाई, पहले एक्चुअल में कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं करा, पहले जो स्टार्टिंग में चल रहा था ना हमारा जो कन्वेंशन कि हॉर्स एक इतनी चीज को कहना है, जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ कि 1 टन का कोई भी माल है उसको खींचने के लिए ना मेरे को 4 हॉर्स की जरूरत होगी, तो मैंने बोला 4 हॉर्स पावर, समझ में आई बात? उसको क्या बोल दिया मैंने? 4 हॉर्स पावर होगी। तो यहाँ पर भी स्टीम इंजन में यदि 4 है ना 1 टन को खींचने में स्टीम इंजन को आपको जरूरत पड़ रही है 1 टन को, तो आपको उसका हॉर्स पावर में नाम आ गया, बस उसको कन्वर्ट कर दिया उसने, एक जो आपका पहले का था उससे कन्वर्ट कर दिया बस, और कुछ नहीं किया। ठीक है भाई, ताकि लोगों को समझ में आ जाए कि हॉर्स पावर का क्या मतलब है। ठीक है, जितना घोड़ा खींच रहा है वैसे वैसे खींच रहा है, जैसे कार, तो कार है ना कितनी चीजों को अपन को ले जा सकती है, कितने वेट को ले जा सकती है, कितना खींच सकती है, तो उसको भी वैसे ही बोला। देखो ब्रेक हॉर्स पावर, ब्रेक हॉर्स पावर BHP, नेक्स्ट टॉपिक लिखना ब्रेक हॉर्स पावर, ब्रेक हॉर्स पावर BRAKE, ब्रेक हॉर्स पावर। देखो ब्रेक हॉर्स पावर इज द यूनिट ऑफ पावर, ब्रेक हॉर्स पावर इज द यूनिट ऑफ पावर इक्वल टू 1 हॉर्स पावर इज द यूनिट ऑफ पावर, इक्वल टू 1 हॉर्स पावर विच इज यूज्ड इन एक्सप्रेसिंग, विच इज यूज्ड इन एक्सप्रेसिंग पावर अवेलेबल, विच इज यूज्ड इन एक्सप्रेसिंग पावर अवेलेबल एट द शाफ्ट ऑफ एन इंजन, एट द पावर अवेलेबल विच इज यूज इन एक्सप्रेसिंग द पावर अवेलेबल एट द शाफ्ट ऑफ एन इंजन, मतलब उस शाफ्ट ऑफ इंजन को घुमाने में जितनी पावर अवेलेबल है उसको हम क्या बोलेंगे? ब्रेक हॉर्स पावर। तो
बेटा जितनी भी कार है एक्चुअल में जो कार होती है ना बेटा उनकी बीएचपी में नापी जाती है। जैसे मारुति कार उसकी बीएचपी कितनी है आप देखना कभी उसकी, आप कोई भी कार की आप ना वो देखोगे कितनी बीएचपी पावर है वो सब लिखा हुआ रहता है उसके। तो बीएचपी पावर का मतलब है कि जो वो जो अंदर जो आपका इंजन लगा हुआ है उसको घुमाने के लिए जितनी पावर अवेलेबल है उसको हम बोलते हैं बीएचपी, ये उसको बीएचपी बोलते हैं। है हॉर्स पावर ही और कुछ नहीं। तो ये अपन का कोई मतलब वाली बात नहीं, अपन तो सीधी सीधी बात कर रहे हैं बस। चलिए अब इस पर सहमत कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं। खत्म क्या है, नहीं फिर एनर्जी को कमर्शियल यूनिट भी तो है, जैसे आपका कोई भी बिजली का बिल आ रहा है तो वो बिल कैसे कैलकुलेट होता है वो भी तो पढ़ना, वो भी सीखेंगे। लिखो भाई पहला क्वेश्चन, अ बॉडी डज 20 जूल्स ऑफ वर्क इन 5 सेकंड, फाइंड इट्स पावर, फाइंड व्हाट इज इट्स पावर। अ बॉडी डज, अ बॉडी डज 20 जूल्स ऑफ वर्क इन 5 सेकंड, in 5 second what is its power, easy hai beta koi dikkat nahi, kitni power hogi beta sabhi bolenge, are bolo bhai power kitni hogi iski, power equal to likho work done upon time taken so power equal to 20 upon 5 joule per second, so 4 joule per second ya 4 beta kitni power hui watt, 4 watt ho, likh lijiye 4 watt ho। कौन न्यूमेरिकल करो, व्हाट इज द पावर ऑफ ए पंप विच टेक्स 10 सेकेंड टू लिफ्ट हंड्रेड किलोग्राम ऑफ वाटर टू ए वाटर टैंक, वाटर टैंक सिचुएटेड एट अ हाइट ऑफ ट्वेंटी मीटर। अब देखो अच्छी प्रॉब्लम है ये भाई, मुझे पंप की पावर निकालनी है, तो पंप क्या कर रहा है बेटा, ये पंप है जैसे यहाँ पंप लगा हुआ है आपका, आपने दिखा होगा आपके घर में इस तरह की चीजें होती होगी, पंप लगा हुआ है, अब पानी यहाँ से ये वो कहाँ पर रख रहा है, आपकी टंकी ऊपर रखी हुई है, कितने मीटर की हाइट पर है आपकी, 20 मीटर की हाइट पर है, यहाँ पर पानी चढ़ा रहा है, ठीक है, कितना किलोग्राम वाटर चढ़ा रहा हूँ, 100 किलोग्राम वाटर ऊपर चढ़ा रहा है, तो देखो इसका मास कितना हो गया 100 किलोग्राम, हाइट हो गई आपकी 20 मीटर, जी आपका 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है ही, तो यहां से मैं इसका वर्क डन निकालूंगा, वर्क डन या पोटेंशियल एनर्जी एक ही बात है, तो वर्क डन इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, कोई दिक्कत बेटा किसी को, तो वर्क डन इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई बेटा, एम जी एच, एम कितना है 100, जी ए 10 इंटू 20, तो ये कितना आ गया 20,000 जूल, ये इतना वर्क डन हो गया। लिखो पहले वर्क डन निकाल लो, हमने वर्क डन निकाल लिया 20,000 जूल, इतना वर्क डन हो गया,
देखो भाई यहाँ पर अब आपका वर्क डन आ गया बेटा। पावर क्या होती है? वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। तो लिखो पावर इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। तो 20,000 जूल अपॉन 10 सेकंड, इसका मतलब 2000 जूल पर 2000 वॉट या 2 किलो वॉट। तो व्हाट इज द पावर ऑफ द मशीन, पंप की पावर कितनी हुई बेटा? सभी बोलेंगे बेटा पंप की पावर कितनी हुई? 2 किलो वॉट की पंप की पावर होगी। क्लियर है? यस सर। लगभग 3 हॉर्स पावर के इक्वल है लगभग, क्योंकि 0.75 के करीब होती है भाई। हम ऐसे लेंगे या अप्रोक्सीमेटली हम ऐसा लेंगे 1 हॉर्स पावर इक्वल टू 0.75 किलो, ऐसे लो 1 हॉर्स पावर इक्वल टू 0.75 किलो। तो उस हिसाब से देख लो ये कितनी हुई, दो से ज्यादा है, 3 किलो वॉट के आसपास है इसकी जो पावर, 3 हॉर्स पावर के आसपास। ठीक है, तो अभी तो अपन को किलो वॉट में निकालनी थी, ऐसा कोई दिक्कत। और यदि हॉर्स पावर में निकालनी हो तो आपको हॉर्स पावर में ये करना पड़ेगा, यदि हॉर्स पावर में निकालनी हो तो ये हो गया आपका 200 upon 75 25 4 8 25 3 3 2 6 2.67 हॉर्स पावर, 2.67 अप्रोक्सीमेटली हॉर्स पावर। समझ में आया हॉर्स पावर में कैसे कन्वर्ट किया बेटा, बोलिए। अरे समझ में आ गया सबको हॉर्स पावर में कैसे कन्वर्ट किया? यस सर। यस सर। क्योंकि 1 हॉर्स पावर इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 0.75 किलो वॉट। अब 2 किलो वॉट की आपकी पावर आ गई पंप की, उसको हॉर्स पावर में कन्वर्ट करना है तो 0.75 से डिवाइड कर दिया तो आपका 2.67 हॉर्स पावर की मशीन हो गई, पावर पंप हो गया। तो ये पूरा प्रॉब्लम समझ में आ गया सभी को, बोलिए। यस सर। चलिए दोबारा कनेक्ट कर लो बेटा। यस सर, रिजॉइन का टाइम हो गया।